ब्यावर शहर में गायत्री नगर जालिया लिंक रोड पर निर्माणाधीन कन्या महाविद्यालय का राज्य सरकार ने नामकरण कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेशों में अब कन्या महाविद्यालय की पहचान श्री ब्रजमोहन शर्मा राजकीय कन्या महाविद्यालय के नाम होगी। राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के सहायक शासन सचिव लखीराम मीणा ने 5 मई को एक आदेश जारी कर राजकीय कन्या महाविद्यालय ब्यावर का नाम तत्काल प्रभाव से श्री ब्रजमोहन शर्मा राजकीय कन्या महाविद्यालय ब्यावर अजमेर कर दिया है। मीणा की ओर से जारी निर्देशों में उक्त आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया है। राज्य सरकार की ओर से जारी उक्त निर्देशों में कन्या महाविद्यालय का नाम श्री ब्रजमोहन शर्मा राजकीय कन्या महाविद्यालय ब्यावर करने पर शर्मा परिवार सहित शहर के कांग्रेसजनों ने हर्ष प्रकट करते हुए सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया है। मालूम हो कि बजट से पूर्व शर्मा परिवार सहित शहर के कांग्रेसजनों ने सीएम अशोक गहलोत से भेंट कर कन्या महाविद्यालय का नाम श्री ब्रजमोहन शर्मा राजकीय कन्या महाविद्यालय ब्यावर की मांग की थी। उक्त मांग को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के बजट में इसकी घोषणा की थी। बजट घोषणा के बाद सीएम गहलोत के निर्देश पर उक्त आदेश जारी किए हैं। जो कन्या महाविद्यालय को लेकर राज्य सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये निश्चित रूप से ब्रजमोहन लाल जी शर्मा, जो सौभाग्य से मेरे दादाश्री भी हुआ करते थे, वो एक योग्य व्यक्ति थे और राज्य सरकार और विशेषकर प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो संवेदनशीलता दिखाई और योग्यता के आधार पर, वो एक बहुत ही वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी थे, राजस्थान इंटक के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष रहे, अजमेर मेरवाड़ा राज के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान सरकार में वो श्रम और शिक्षा मंत्री रहे, उनको जो सम्मान दिया, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही सराहनीय कदम है राज्य सरकार का। और मैं व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर अशोक गहलोत जी और राजस्थान सरकार का कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। और यहाँ मजदूरों में काम करने, मैं भी लगभग 15 यूनियनों का अध्यक्ष हूँ, उस के तहत भी कहता हूँ कि ये एक श्रमिक नेता को एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की है अशोक गहलोत साहब ने।